इसको भर के पानी दिया था हमने, ठीक है। और अब जो है ये बत्तर की सूरत में आ गई, मतलब इसमें अब ऑप्टिमम मॉइस्चर जो है मौजूद है, ठीक है। तो अब हम इसमें सीडिंग कर सकते हैं, तो चलिए अब इसमें सीडिंग करते हैं। कोकम्बर के बीच, खीरे के बीच है, ठीक है। इस पे ये हरे रंग के इसलिए हैं क्योंकि इसके ऊपर एंटी फंगल जो है वो दवाई लगी हुई है, ठीक है। और इसमें ये है कि आपने इसमें ये जिस तरह से ये टूटा हुआ बीज है, ठीक है, इस तरह से नहीं लगाने, ठीक है। जो मुकम्मल पूरे सेहतमंद बीज हैं सिर्फ वही लगाए जाएंगे हमें, ठीक है। ये देखिए, कोई भी इस तरह से बारीक तिनका लेकर, ठीक है, इस तरह से साइड पे ये सुराख कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं करना कि आपने बहुत नीचे कर दिया या इस तरह से, तो क्योंकि पानी अगर बीज भीगा रहा तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, वो उग नहीं पाएगा। तो हम इधर साइड पे करते हैं और जो पानी हम दरमियान में लगाएंगे वो सेम जो है पानी के ऊपर चढ़ के जाएगी, ठीक है। तो पानी हम यहाँ लगाएंगे और इसकी जो सेम है ऊपर चढ़ के जाएगी, जैसे कि हमने पानी लगाया था तो साइडों तक जो है वो सेम जो है ऊपर आ गई, ठीक है। और अब हम यहाँ पर बीज लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास खीरे का बीज है, ककम्बर का, ठीक है, जो हमने सुराख किया। ये अब हमने इसको इसमें डाल दिया, ठीक है, और इसको हमने ऊपर से कवर कर दिया, ठीक है। बीज को ज़्यादा डेप्थ में नहीं लगाना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना, ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिट्टी उसके ऊपर चढ़ा देनी, ठीक है, ताकि उसकी जर्मिनेशन में, उसकी रोइदगी में उसको कोई तरह किसी तरह का परेशानी ना हो बीज से पौधा निकलने में, ठीक है। देखिए, इस तरह के बीज भी जो है हमने नहीं लगाने, ठीक है जी। तो ये जाइंट कैप्सिकम के सीड्स, ठीक है। अच्छा, जो बीज ज़रा बड़ा हो पाए ना, उसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्यारी में, गमले में या ज़मीन में, ठीक है। और जो बहुत ही बारीक बीज होता है, जैसे टमाटर का बीज है, वो बेहतर है कि पहले, अगर खीरे की भी है, मतलब कोई भी अगर है इस तरह से, खीरा है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, मिर्च है, ठीक है, तो उसमें ये है कि पहले उसकी पनीरी तैयार कर लेनी चाहिए, वो तरीका भी बहुत कारगर रहता है, ठीक है। बैंगन के लिए भी आप इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी तरीका हम देखेंगे। अभी हम डायरेक्ट सीडिंग जो है उसके हवाले से देख रहे हैं कि जो बीज ज़रा बड़े हों और आप उनको डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर पहले से आप पनीरी तैयार कर लें और फिर वो छोटे पौधे लगाएं तो वो भी बहुत बेहतर। लगाने का तरीका भी वही हम करेंगे कि हम इससे पहले सुराख कर लेंगे छोटा सा, ठीक है, साइड पे करके, ठीक है, और फिर इसमें हम लगा देंगे। अच्छा, हम ये दोनों तरफ लगा रहे हैं, यहाँ पे भी लगाया है, यहाँ पे भी लगाया है, ठीक है। इसी तरह जैसे खीरे का लगाया, इस तरह से फिर लो स्पेस पर आपने उन प्लांट्स को मैनेज कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, फिर हम उसकी तरफ भी आएंगे।